हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मंगेश चौधरी ने चुनावी यात्रा को लेकर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि लगातार क्षेत्र के जन समस्याओं को लेकर माकपा ने संघर्ष किया है। माकपा ने पिछले 5 सालों में मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 20 अक्टूबर से जसाना गाँव से जन संघर्ष जनादेश यात्रा प्रारंभ की जाएगी। साथ ही मंगेश चौधरी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी ने बीते 5 वर्षों में क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर एक भी आंदोलन नहीं किया। बीजेपी को क्षेत्र की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, जबकि माकपा ने क्षेत्र की प्रत्येक समस्या को लेकर जमीनी स्तर पर संघर्ष किया है। मंगेश ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में माकपा कांग्रेस का समझौता भी होता है तो वे जनता के संघर्षों के लिए चुनावी मैदान में अवश्य उतरेंगे। इस स्थिति में उनका नारा होगा ट्रैक्टर का निशान, सीएम होगा किसान। इसके साथ ही नौहर जिले के सवाल पर मंगेश ने कहा कि नौहर को जिला बनाना चाहिए, अगर नौहर की जनता उन्हें मौका देगी तो नौहर जिला अवश्य बनेगा। ये जो अपने रासिमपुरा और ये जो बैठ गए, इस बैठ के तो कभी पानी नहीं है। नौहर फिल्टर की हालात खराब है, सावा लिफ्ट के लाल के अंदर फॉर उसको पानी लगता है। वहां भी हमें लंबे समय से समय पर किसानों के मुद्दों को लेकर के लड़ना पड़ता है, तब टैंक पर पानी आता है। ये जो है शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी इनके हालात अभी 21 मई से जनता के बीच वापस ये कह रहे हैं कि हमने गरीब को गणेश और किसान को भगवान मान करके आज इनके इतने साल बाद ये समझ में नहीं आया कि पानी में किस इस्तेमाल क्या होता है। अब ये कह रहे रोड फुटर में रिटायर सब लेते हैं, क्षेत्रीय विधायक की 324 क्यूसेक पानी दो। मैं लिखे देता हूँ कि रोड फुटर में 325 क्यूसेक पानी अगर छोड़ गया तो नहर खेड़ी खेड़ी खिंच जाएगी। 230 क्यूसेक पानी लेने को बात करूँ रोड फुटर में, लेकिन कोई आप एक रट्टा मार के भी भेज देते हैं कि आपको विधानसभा मिली बोलने नहीं।